आज दोस्तों बात करें पाइल्स बवासीर मस्से यानी हिमरॉइड्स की तकलीफ है, यदि आपको पेन है, ब्लीडिंग है, सूजन है। जब हम चेक करते और कोई इंसान को ऑपरेशन या सर्जरी की जरूरत अगर हम बताते तो बहुत बार एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि भाई ये ऑपरेशन कितना जल्दी कराना चाहिए। यदि आपके डॉक्टर ने या आपके सर्जन ने आपको चेकअप करने के बाद बताया कि ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन कितना जल्दी कर सकते हैं? शायद आपको कोई इंपॉर्टेंट ऑफिस का काम है या फिर कोई ओकेजन है, कोई ऐसे कुछ शादी का मामला रहता है या फिर कोई इंपॉर्टेंट फैमिली फंक्शन है और वो अटेंड भी आपको करना है, तो एक कब करना चाहिए ऑपरेशन? क्या ये ऑपरेशन जल्दी करने की जरूरत है, क्या है अर्जेंट है, क्या है इमरजेंसी, या फिर बाद में करा सकते हैं? तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो है। यदि आपको पाइल्स बवासीर मस्से हिमरॉइड्स की तकलीफ है और यदि आपको सर्जरी की जरूरत है तो ये ऑपरेशन कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है और कब इसको करना जरूरी है? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अगर यदि किसी को पाइल्स बवासीर मस्से हिमरॉइड्स की तकलीफ है तो जो तीन चार सिम्टम्स मेन रहते हैं, जो तकलीफ रहती है, वो है पेन, ब्लीडिंग और सूजन। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स या लक्षण रहते हैं, जिसमें से दो सिम्टम ऐसे है कि जिसकी तकलीफ यदि आपको ज्यादा है, जैसे कि दर्द की तकलीफ, असह्य पीड़ा है, मोशन, पॉटी, मल त्याग करने के बाद आपको 1-2 घंटा बहुत तेज दुखावा रहता है, या फिर ब्लीडिंग, पिचकारी जैसा बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है और वो ब्लीडिंग इतनी ज्यादा है कि आपको शायद खून की भी कमी आ रही है, तो ये दो प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम है जिसमें हम सर्जरी की जरूरत जल्दी बताते हैं। यानी आपको दर्द असह्य है और आपने कोशिश कर ली है डाइट्स, मेडिसिन, अपॉइंटमेंट्स और उससे आराम नहीं पड़ रहा है तो ऑपरेशन की जरूरत एकदम जल्दी है। यदि आपका खून बहुत कम हो रहा है, जैसे कि हीमोग्लोबिन आपका 5-6 हो गया है और उसके कारण से आपको तकलीफ, दिल पे जोर आ सकता है, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हो, तो अचानक से आपको आईसीयू में भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। तो यदि आपका हीमोग्लोबिन कम है 5-6, और ये 5-6 हीमोग्लोबिन पाइल्स बवासीर मसे के कारण है, तो भी आपको ऑपरेशन की जल्द से जल्द जरूरत है। तीसरी जो सिम्टम रहता है या लक्षण रहता है वो सूजन है, यानी ग्रेड 4 हिमरॉइड्स है, बार सूजन अटका हुआ है, ये सूजन बहुत ही ज्यादा है और ये सूजन आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको मामूली है। सूजन का प्रॉब्लम है, स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, लेकिन ये स्वेलिंग आपको मामूली है या तकलीफ थोड़ी सी है, तो इसको तुम थोड़ा सा खींच सकते हो, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट आपका ऑफिस काम चल रहा है, कोई आपका ट्रिप चालू है, या फिर आपका कोई ऐसा अन्य फैमिली इवेंट ओकेजन है, कोई लगन प्रसंग है और आपको अटेंड करना बहुत जरूरी है और वो तुरंत है, तो इसको आप थोड़ा सा खींच सकते हो, मेडिसिन से, अपॉइंटमेंट से आपको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो सूजन का जो तकलीफ रहता है उसमें तकलीफ ज्यादा है तो ऑपरेशन, और अदरवाइज मेन जो सिम्टम जो मैं बताता हूँ मेरे पेशेंट को, वो असह्य पीड़ा और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है तो ऑपरेशन की जरूरत जल्दी है। पाइल्स बवासीर मस्से में ऑपरेशन कब करना रहता है और कितना जल्दी करने की जरूरत है, इसमें कोई डेफिनेशन या टाइमलाइन नहीं रहती है, क्योंकि अलग अलग इंसान का लक्षण की तीव्रता अलग अलग रहती है, दूसरा आपके रिपोर्ट्स भी अलग अलग रहते हैं, एज अलग रहती है और आपकी एक्सपेक्टेशन जो रहती है उस हिसाब से टाइमलाइन नक्की करते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया डेफिनेशन नहीं रहता है, लेकिन जल्द से जल्द करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए या फिर आराम से कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके पाइल्स थ्रोम्बोज है कि नहीं, आपको पेन कितना ज़्यादा है, उधर कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं, या फिर आपको तकलीफ कितने टाइम से, आपने कितनी कोशिश की है। अगर बहुत कोशिश कर चुके हैं तो भी आपको ऑपरेशन जल्दी करने की जरूरत पड़ सकती है, यदि आपने कोशिश नहीं की और प्रॉब्लम मामूली है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो डाइट से, मेडिसिन से, ऑइंटमेंट से, डॉक्टर के गाइडेंस में सलाह लेके, जिससे आपकी ट्रीटमेंट सेफ हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे वीडियो से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली है। यदि आपको पाइल्स बवासीर मसे या फिर हिमरॉइड्स की तकलीफ है तो आपके ये जो तकलीफ है, लक्षण है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है, क्या आपको पेन ज़्यादा है, कि आपको ब्लीडिंग ज़्यादा है या फिर आपको स्वेलिंग बढ़ी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए।